बांसवाड़ा का रुख करेंगे, जहां बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। उपचुनाव के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा और उपचुनाव में बीजेपी की ओर से सुभाष तंबोलिया चुनावी मैदान में हैं, तो उनके सामने बीएपी के कैंडिडेट जय कृष्ण पटेल और कांग्रेस प्रत्याशी कपूर सिंह मैदान में हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव में भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन दिया है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापस नहीं लिया। इसके चलते अब मुकाबला यहाँ पर त्रिकोणीय दिख रहा है। आपको बताएं कि इस विधानसभा से विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया, बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसकी वजह से अब यहां पर उपचुनाव हो रहा है। पहले हम निश्चित तौर पर इस बार हमारे पास में समय भी अच्छा है और जिन लोगों ने राजनीतिक कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, अपने बचाव के लिए जनता के साथ में जिस तरह उन्होंने धोखा किया और आज तक गुमराह करते आए, तो जनता आपकी बात समझ चुकी है उनको और निश्चित तौर पर हमारे यहाँ पर जीत दर्ज होगी और ऐतिहासिक जीतेंगे, हम ऐतिहासिक जीत तरीके जीतेंगे। विधानसभा में कांग्रेस ने 50 साल से यहाँ काम कर रखा है, उनके विकास और उनके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ पर नहर का काम किया, हमारे लोग गेहूँ खा रहे हैं, मस्ती से जी रहे हैं, यहाँ पर हर प्रकार रोड की व्यवस्था है, यहाँ आश्रम बना गया, यहाँ हॉस्टल बना गया, स्कूल, ये तमाम जो है यहाँ का जो विकास और प्रगति कांग्रेस सरकार की है, बाकी दूसरी ना बीजेपी ना बाप ने कोई काम नहीं किया। क्या किया इस क्षेत्र में? पहली बार इस क्षेत्र को प्रत्याशी के रूप में प्रत्याशी मिला है तो सभी कार्यकर्ताओं का जोश है और सब में उमंग है और उनके अनुसार हम पहले जो हमारी 42,000 की जो लीड थी, अब दोनों ही पार्टी हम एक होकर लड़ रहे हैं, तो ये लीड हमारी 70 से 80,000 जाएगी और निश्चित इस क्षेत्र से।